नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर पुलिस ने अफजलगढ़ क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने बताया ये पूरा मामला आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग का है। पकड़े गए हत्यारे को पुलिस ने हत्या के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया और इस हत्या में हत्यारे की मदद करने वाली उसकी प्रेमिका की भी अहम भूमिका है। आइए सुनते हैं सबसे पहले हत्यारे मदन सिंह को और SP देहात दिनेश शर्मा को। वो एक बार ना उसकी नरेंद्र की बहन भाग गई थी मोमदन के लड़के के साथ, तो उसने ना मेरा नाम ले दिया था कि इसने भगवाई है, और मुझे पुलिस चौकी पर भी ले गए थे, मारा भी था, पैसे भी लगे थे, मगर उसे ही हो ही सकता कि इसने भगवाई, मगर उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। उसके बाद में जब मैं छूट गया तो वो मुझे जहाँ भी मिला करा, गांव में या कहीं भी, तो मुझे नहीं क्या करा कि साले मैं तुझे मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे प्रधान से कहिए या दीवान से। और मैं जो था, मैं अपने घर का इकला था, तो मैं सोचा कि अगर मुझे मार दिया तो मेरे माँ बाप को क्या होगा। उसे मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिला तो मैंने उसे मार दिया। हम 20/9/2017 को उनके जंगल में प्राप्त मिला था, जिसका पुलिस ने पंचायतनामा भर के जब पोस्टमार्टम कराया तो उसके सर में गोली मिली, जिसके बाद पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया। इसी दौरान इसकी पहचान नरेंद्र सनाफ महेंद्र आरओ बसई का मजरा PS कुंडा उधम सिंह नगर के रूप में हुई। पुलिस ने विवेचना आरंभ करी और विवेचना के दौरान ये अभियुक्त मदन सिंह पुत्र रामपाल निवासी बसई का मजरा ये गिरफ्तार हुआ। आज लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि किसी की हत्या करने में उन्हें डर नहीं लगता, किसी की हत्या करने का। क्या हमारा कानून इतना लाचार है जिससे लोगों का डर खत्म होता जा रहा है? बिजनौर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।